तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम टेक्स्ट फॉर्मूला पे आगे डिस्कस कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट में थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपना नाम ही लिखता हूं कि सुजीत कुमार सिंह, राइट right? मुझे इस नाम में से फर्स्ट नेम को, मिडिल नेम को एंड लास्ट नेम को अलग करने है। तो हम फाइंड या सर्च का फॉर्मूला, फाइंड का या सर्च का फॉर्मूला लगाएंगे स्पेस को फाइंड करने के लिए। ये बताएगा कि इस फॉर्मूले में स्पेस का लोकेशन क्या है। बता रहा है कि लोकेशन 7 है, ठीक है। तो वहां फर्स्ट नेम में हम मिड का फॉर्मूला लेंगे कि मिड, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम बोलेंगे कि 7-1। माइनस वन क्यों करेंगे? क्योंकि ये 7 तक का पोजीशन है, स्पेस तक का, स्पेस से पहले चाहिए। दिमाग किसी का लेफ्ट लगाना था, आप गलती कर दिया यहाँ पे, लगेगा। तो अब दूसरा हम चाहिए मतलब कि कुमार, तो मतलब कि पहले स्पेस के बाद और दूसरा पहले पहले। तो पहला स्पेस तो मैं 7 निकाल लिया, दूसरा स्पेस कैसे निकलेगा? तो दूसरा स्पेस निकालने के लिए मैं अगेन फाइंड का फॉर्मूला अपनाऊंगा और फाइंड का फॉर्मूले स्पेस और अपने फाइंड के फॉर्मूले को सिलेक्ट करूंगा। स्टार्ट नंबर मैंने वापस यहां 1 दे दिया तो ये आपको 7 देगा। तो ये स्टार्ट नंबर क्या होता है? स्टार्ट नंबर होता है कि आपको काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, कहां से फाइंडिंग स्टार्ट करनी है। तो मुझे फाइंड स्टार्ट करना है पहले स्पेस के बाद से। तो 7 1 कर दूंगा तो यहां आ जाएगा 30। ठीक है, दूसरा फाइंड जो हम समझ में आ गया कि पहले फाइंड प्लस 1 कर दिए। तो यहां पे हम का फॉर्मूला लगाएंगे कि मिड, हमारा जो मिड का वर्ड स्टार्ट हो रहा है पहले फाइंड के बाद से और खत्म हो रहा है दूसरा स्पेस यहां, दूसरे फाइंड की रिजल्ट माइनस पहले फाइंड का रिजल्ट। रिजल्ट यहां हमारे सामने कुमार आ गया और फिर वापस मैं यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा इसकी जो कंप्लीट लेन है इस लेन में से दूसरे फाइंड का रिजल्ट, और रिजल्ट आपके सामने है। तो अलग लगा गया। क्लियर है? किसी को डाउट? मर्ज कर दिया।
इसको कॉपी किया और यहां B3 के जगह पे हमने पेस्ट कर दिया, फिर वापस इसको कॉपी किया, सॉरी इसको, इसमें इस पे भी है ना B3, इसमें भी B3 है, पेस्ट कर दिया। और फिर हमने इसको कॉपी किया और यहां हमारा C3 है तो C3 को पेस्ट कर दिया, और यहां भी हमारा C3 है तो C3 को पेस्ट कर दिया। रिजल्ट आपके सामने, कुछ भी नाम लिखूंगा मैं, राज, इन, लेकिन मेरे पास कुछ नेम दिए हुए हैं, सिर्फ पूजा भाटिया, नीरज, मोहन, मीनू, और ऐसे तीन नाम भी हो सकते हैं। अब मुझे इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए। हम पहला एक फाइन लगाएंगे, इस निकल जाएगा फाइन, और मैं यहां पे लेन लेफ्ट इसको सिलेक्ट करूंगा और पहले फाइन माइनस वन कर दूंगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा पूजा। बट लास्ट नेम कैसे आएगा, तो यहाँ इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। पहला फॉर्मूला लगेगा यहाँ वापस फाइंड का इक्वल फाइंड, प्लीज म्यूट कर लीजिए अंसारी जी, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। और विथ इन टेक्स्ट में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने स्टार्ट नंबर में गुड मॉर्निंग प्लस फाइन हमने दे दिया, तो यहाँ पे एरर आएगा। कब एरर आएगा, जब दो नेम होंगे, अगर जब तीन नेम होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे SINGS सिंग कर देता हूं तो सही आएगा। तो उस केस में मैं यहाँ पे राइट और इसको सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि लेन, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से माइनस हो जाए हमारा सेकेंड फाइन और रिजल्ट आ जाएगा। हाँ रिकॉर्ड हो रही है। जैसे मेरे मैं जी मैं पूजा वर्मा ही लिखा हुआ है तो इसमें दूसरा नाम नहीं आया, तो यहां पे इफ एरर लगेगा और यहां पे लगेगा दूसरा फॉर्मूला राइट का। इसको सिलेक्ट किया हमने कॉमा और हमने यहां पे लेन और उसमें से हमने माइनस कर दिया फर्स्ट, और ए इफ एरर से होगा कि अगर ए रिजल्ट एरर दिया तो ए सिलेक्ट होगा। रिजल्ट आ गया, इसको कॉपी करता हूं मैं और यहां इसमें पेस्ट कर, हमने किसका को, हमें एक मिनट का, हम इसको कॉपी करते हैं, B11 को कॉपी करते हैं और B11 हमारा इसमें है, हम इसमें पेस्ट कर देते हैं और B11 हमारा नहीं, B11 यहाँ में नहीं है, C11, B11 यहाँ है, इसमें पेस्ट कर देते हैं, इस C11 को उठाते हैं, कॉपी करते हैं और ऊपर जहां C11 है वहां हम पेस्ट कर देते हैं
और फिर हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और इस एरर के इस फॉर्मूले में पेस्ट कर देंगे, और फिर इस फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और इस फॉर्मूले के इस पार्ट को पेस्ट कर देंगे, फिर इसको कट करके यहां रखेंगे और ये सब हम डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट करने भी यहाँ फर्क पड़ रहा है, इसको कॉपी करते हैं और यहीं पे बी एल ए में पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ और इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। अब मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप देखिए इजीली निकल गया। तो फाइंड और सर्च फॉर्मूले की मदद से इस तरह से सेपरेट करेंगे वर्ड को। अब सेपरेट को हमने सीख लिया, अब बात करते हैं ज्वाइन की। जैसे कि सुजीत और यहाँ पे कुमार, इसको आपस में ज्वाइन करने के लिए आप कॉनकाटा नेट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू, सुजीत कुमार आया, बीच में आप इसमें सेपरेटर लगा सकते हैं स्पेस। एक तरीका और है एन परसेंट का, हम इसको ज्वाइन एन परसेंट से भी कर सकते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर डेट को ज्वाइन करना हो, जैसे कि मैं एक एक आज की डेट ले लेता हूं, इसके बीच में टू लगाना है, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कॉनकाटा नेट का ही फॉर्मूला ले लिया, या एन परसेंट भी ले सकता हूं मैं। पहले को सिलेक्ट किया और फिर इसमें हम एस टू और इस यहाँ पे किया और कॉमा, फिर हमने दूसरे को सिलेक्ट कर। तो यहाँ पे आप देखिए डेट नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर्स आएंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो डेट हमारे होते हैं वो एज ए नंबर में स्टोर होते हैं। तो डेट है आपके एज ए नंबर में स्टोर होते हैं, तो इसलिए नंबर आया। तो डेट या टाइम या किसी के फॉर्मेट पे करने से पहले आप यहाँ टेक्स्ट फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लें, इसमें डी 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 स्लैश एम 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 स्लैश वाई 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 कर दिया, और सेम इसको भी ऐसे ही कर दे। उसके बाद आप इसको कॉर्पोरेट नेट के फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको डेट की तरह इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें कई सारे डेट को इकट्ठे जोड़ना है, जैसे मान लीजिए इतने सारे डेट को इकट्ठे जोड़ना है, तो कॉनकाटा डेट में एक एक करे करें, मान लीजिए इतना ही हो सकता है कि और भी हो, बहुत सारे डेट हो या बहुत सारे डेटा हो, तो ऐसे कॉनकाटा में एक एक जोड़ने पर दिक्कत हो जाए। तो अगर आपके पास 2019 या ऑफिस 365 है, तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक है कॉनकेट का, कॉनकेट को लेके पूरा रेंज दे दीजिए, इस रेंज की जितनी भी वैल्यू होगी उसको आपस में वो जोड़ देगा, लेकिन विदाउट एनी सेपरेशन, इसमें कोई सेपरेशन नहीं रखेगा। लेकिन समझना चाहिए सेपरेटर, जैसे कॉमा चाहिए तो उसके लिए टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला है, उसमें आप यहाँ पर अपना सेपरेशन जो डिलीमिटर आता है वो, और क्या अगर इसमें जो ब्लैंक सेल होते हैं उसको इग्नोर करना है, हम बोलते हैं यस इग्नोर करो और अपनी रेंज को सिलेक्ट कर दे, तो आपको यहाँ पे सेपरेशन लगा के। अब चलिए टेक्स्ट फॉर्मूला में और भी जो छोटे मोटे चीज है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। अब देखिए डॉलर है और एग्जैक्ट है, दो है, देख लेते हैं। डॉलर है फिक्स भी होता है, जैसे हमें कुछ नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को अगर मैं डॉलर के अंदर में रखता हूं, यहां पे डॉलर का साइन, डॉलर का साइन बोले रुपीज का आ रहा, क्योंकि मेरे एक डिफॉल्ट कंट्री जो है लैंग्वेज कंट्री इंडिया है, इसलिए डॉलर ले लिया। अगर आपका ए रुपीज ले लिया, अगर यूएस होगा तो आपका डॉलर लेगा।
तो इसका फायदा क्या हुआ कि अब इसके ऊपर गलती से भी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। कभी कभी क्या होता था कि हम लोग जो काम करते थे फॉर्मेट होता था, तो गलती से कुछ की दब जाता था तो उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाती थी। तो इसमें ऐसा फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। इसमें ऐसा आपका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। तो इसमें आप डॉलर का साइन नहीं चाहिए तो आप फिक्स्ड ले सकते हैं। फिक्स्ड का है, फिक्स्ड में डॉलर का साइन नहीं आता है। दो चीजें आप कर सकते हैं। इसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। इसके बाद है एग्जैक्ट फॉर्मूला। जैसे राम और ये राम मैंने लिख दिया। सिस्टम के लिए दोनों अगर नॉर्मल इफ लगाते हैं या नॉर्मल लगाते हैं फॉर्मूला लॉजिकल, तो दोनों के लिए बराबर है। देखिए आप चाहते हैं एग्जैक्ट मैच करना, तो हमारे पास एक एग्जैक्ट का फॉर्मूला होता है जो दोनों में एग्जैक्ट मैच करता है। इक्वल नहीं दे रहा, यहां पे देखिए फॉल्स आएगा। अगर दोनों सेम केस हुआ, जैसे राम इस तरह से लिखा हुआ, तो फिर दोनों आपको सेम बराबर दिखेगा, अगर तो बराबर नहीं दिखेगा। सारे फॉर्मूला तो मैंने आपको करा ही दिए हैं। एक बार अपने नजर से सारे फॉर्मूले को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो फॉर्मूला लगे रहा नहीं आपको समझ में आया, मैं उसको हाँ, इसमें एक रैप्ट का फॉर्मूला है। रैप्ट रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है कि मैंने यहाँ पे ए लिखा और मैं यहाँ पे रैप्ट का फॉर्मूला रैप्ट में इसको बोला कि फाइव टाइम रिपीट कर दो, फाइव टाइम रिपीट कर देगा। अब इसका ऑफिशियल यूज क्या है ये आपको हम कल की क्लास में समझाएंगे। फिलहाल आप बाकी चीजों पे प्रैक्टिस कर लें। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रैप का और डेट एंड टाइम की जो कैलकुलेशंस है ये हमारे कल की क्लास में। ठीक है? ठीक है सर। ओके बाय, सी यू टुमारो।